हेलो दोस्तों दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा बीपीएल राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा यहां पे कर दी गई है। यहां पे डेट निर्धारित कर दी गई है कि कब आपको यहां पे बीपीएल राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं यहां पे 30 नवंबर को हरियाणा सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि जो बीपीएल राशन कार्ड है उनकी जो लिस्ट है वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जारी कर दी जाएगी, लेकिन इसको लेकर के यहां पे 1-2-3 तारीख तक भी किसी प्रकार की कोई भी लिस्ट अभी तक भी जारी नहीं की गई है। तो दोस्तों अब जो हरियाणा सरकार है यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के ऑफिशियल हैंडल से यहां पे लिखा गया है मुख्यमंत्री बीपीएल परिवारों को सुशासन दिवस पर देंगे तोहफा। तो यहां पे तोहफा देने वाले हैं जो बीपीएल राशन कार्ड है उसको लेकर के यहां पे खबर आई हुई है। यहां पे डिजिटल माध्यम से 28.93 लाख परिवारों को वितरित किए जाएंगे बीपीएल राशन कार्ड। तो दोस्तों यहां पे पीले राशन कार्ड 28.93 लाख यानी के यहां पे लगभग 29 लाख परिवारों को बीपीएल राशन कार्ड मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पे साफ कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो यहां पे जो बीपीएल राशन कार्ड की लिस्ट है वो पहले ही सरकार के द्वारा तैयार कर ली गई थी। यहां पे लगातार वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको जानकारी देते रहा हूं और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे सुशासन दिवस पर बीपीएल परिवारों को मुख्यमंत्री देंगे तोहफा, डिजिटल माध्यम से 29 लाख परिवारों को वितरित किए जाएंगे पीले राशन कार्ड। तो यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पे सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है उस दिन जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये पहली बार जो है 2015 में मनाया गया था। तो आप यहां पे देख सकते हैं सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर की घोषणा यहां पे की गई है जो हरियाणा के सीएम हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी के ऑफिशियल हैंडल से यहां पे जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो यहां पे सुशासन दिवस के दिन यहां पे घोषणा जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जिस प्रकार से आयुष्मान योजना को लेकर के घोषणा की गई थी उसी प्रकार से अब बीपीएल राशन कार्ड को लेकर के भी घोषणा की जाएगी। यहां पे लगातार जानकारी पाने के लिए और अपनी लिस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सबसे पहले आपका नाम अगर जानना है तो आपको लगातार जानकारी चैनल के माध्यम से मिल पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि अन्य जितने भी लाभार्थी हैं उनको इस बारे में जानकारी मिल पाए और वो अपना लिस्ट में नाम चेक कर पाएं। तो चलिए दोस्तों यहां पे किस प्रकार से लिस्ट में नाम चेक होगा और किस प्रकार से ये आप प्राप्त कर पाएंगे, यहां पे लगातार जो है जो सरकार है उनके द्वारा जो स्टेप्स हैं वो चेंज किए जा रहे हैं। यहाँ पे पहले कुछ और यहाँ पे कहा गया था कि आपको 1 जनवरी का समय यहाँ पे दिया गया था, लेकिन उसको 1 जनवरी से चेंज करते हुए यहाँ पे 25 दिसंबर का समय जो है वो रख दिया गया है यानी कि सुशासन दिवस के दिन आपको बीपीएल जो है वो राशन कार्ड श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवार उनको बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जाएगा और यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ भी ऐसी ही फैमिली को मिलता है जो 1,80,000 रुपए की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मैंने पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध करा दी थी, ऐसे परिवार जो अपनी आय कम करा रहे हैं यानी कि जो इस योजना के लिए या अन्य किसी भी योजना के लिए लाभार्थी नहीं है और वो लगातार अपनी आय को कम दिखा रहे हैं उनके ऊपर भी एक्शन होने वाला है। यहाँ पे जितने भी बैंक अकाउंट हैं जितने भी बैंक अकाउंट रहेंगे वो सभी परिवार पहचान पत्र से लिंक होंगे, जैसे कि आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसी प्रकार से यहाँ पे परिवार पहचान पत्र के साथ भी हरियाणा निवासियों के परिवार पहचान पत्र लिंक किए जाएंगे। तो इनकी जो आय है और साथ में जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाती हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से यहां पे उनके ट्रांजैक्शन पे नजर रखी जाएगी और साथ ही जो आय को छुपा रहे हैं तो वो अब यहाँ पे आय को छुपा नहीं पाएंगे और साथ ही जो ITR फिल कर रहे हैं यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो भर रहे हैं और उसके बाद भी वो योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं और वहां पे अपनी आय को कम कराने में लगे हुए हैं तो वहां पे विभिन्न माध्यमों से अपनी आय को कम दर्शा रहे हैं तो अब वो इसको नहीं कर पाएंगे। तो मैंने वीडियो डाल दिया था और वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी भी उपलब्ध करा दी थी। तो दोस्तों यहां पे लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और ताकि आपको ये जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो दोस्तों 25 दिसंबर तक का वेट करना है और साथ ही आपको मैं 25 दिसंबर को यहां पे जानकारी उपलब्ध करा दूंगा जब यहां पे जो राशन कार्ड है वो किस प्रकार से आप चेक करेंगे, यहाँ पे आप परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जानकारी ले पाएंगे या फिर आप अपना खुद का कोई अलग से पोर्टल दिया जाएगा जहाँ पे आप अपना परिवार पहचान पत्र नंबर डाल करके या फिर आप अपना किसी भी प्रकार से डिटेल डाल करके अपना बीपीएल राशन कार्ड चेक कर पाएंगे। वो पूरी जानकारी जो है आपको ऑनलाइन साथ के साथ मैं
उपलब्ध कराऊंगा। तो वीडियो लगातार देखते रहिए और अपडेट रहिए ताकि आपको जानकारियां लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पे सिरसा और साथ में कुरुक्षेत्र जिले के राशन कार्ड यहां पे बना दिए गए थे। यहां पे सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि जो राशन कार्ड है जिनकी आय 75,000 रुपए से कम है उनको बीपीएल श्रेणी में शामिल किया गया था। 75,000 रुपए से अधिक आय है उनको ओपीएच श्रेणी का लाभ दिया गया था। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे जब तारीख आती है यानी कि 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिवस पर क्या कुछ घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की जाती है। यहाँ पे जब घोषणा होगी उसी के साथ आपको मैं जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सकेगी। तो यहाँ पे सरकार ने साफ कर दिया है, यहाँ पे जो डाटा है वो भी सरकार ने दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 29,00,000 परिवारों को जो बीपीएल राशन कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट जो है वो सरकार के पास आ चुकी है और यहाँ पे जल्द ही इसकी घोषणा सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर को घोषित कर दी जाएगी। यहाँ पे ट्वीट के माध्यम से सरकार ने यहाँ पे कह दिया है, मुख्यमंत्री बीपीएल परिवारों को सुशासन दिवस पर देंगे तोहफा, डिजिटल माध्यम से 29,00,000 परिवारों को वितरित किए जाएंगे पीले राशन कार्ड। और जो आय है वो भी यहाँ पे बता दिया, 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम है उनको यहाँ पे जो राशन कार्ड है वो बीपीएल राशन कार्ड दिए जाएंगे। लेकिन अभी ये साफ नहीं है, यहाँ पे ये बीपीएल राशन कार्ड सभी को दिए जाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा डाटा होने के बाद सभी को बीपीएल राशन कार्ड की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो ऐसे परिवार हैं जिनकी आय लगभग 75,000 रुपए से कम है उनको शायद बीपीएल श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे जो 75,000 रुपए से ऊपर है उनको ओपीएस श्रेणी का लाभ दिया जाएगा। और इसी के साथ जो राशन कार्ड है वो भी जगह जगह क्या कुछ उसमें कार्रवाई की गई है, जिनके राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हैं उनके लिए क्या कुछ यहाँ पे तोहफा जो है हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये भी यहाँ देखने की बात रहेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं जब सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है उसके बाद इन लोगों को किस स्तर पर किस श्रेणी में लिया जाता है और किस तरह का लाभ दिया जाता है। यहाँ पे आप 25 दिसंबर तक का वेट कर लेंगे और 25 दिसंबर को जैसे ही घोषणा यहाँ पे हो जाती है तो यहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कम से कम सरकार ने जो डेट है वो दी है अभी और इसका भी हमें वेट ही करना है क्योंकि यहाँ पे 25 दिसंबर जो है वो मेरे ख्याल से अपडेट जो है वो फिक्स हो चुकी है। और यहाँ पे जो बीपीएल राशन कार्ड है जो लिस्ट सरकार के पास पहले से आई हुई है उसी को यहाँ पे जो है अब अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों अब 25 दिसंबर को यानी कि सुशासन दिवस के दिन जो घोषणा होती है उसके बाद ओपीएच और बीपीएल राशन कार्ड किन किन को कौन कौन सी श्रेणी में शामिल किया जाता है उसका आपको इंतजार कर लेना है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी जानकारियां लगातार अपने डिवाइस में पाने के लिए मैं लगातार बोल रहा हूं लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखें ताकि आपको ऐसी जानकारियां लगातार आपके फोन के माध्यम से आप तक सीधे पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो नई जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।